आवाज़ ठीक आ रही है, शक्ल मेरी ठीक आ रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट दिखाने इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा मत सोचा करो कि अपनी शक्ल दिखाने के लिए पूछ रहे हैं, है ना। तो ये भी ओके, फटाफट कर दियो ऑडियो वीडियो, फटाफट जल्दी से लिख दियो भाई। हाँ लोप मुद्रा शर्मा जी ना बहन, एकदम बढ़िया है ना, फटाफट लिख दिया, ठीक है जी। चलो तो मुद्दे की बात करते हैं, आप फटाफट इसको शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, जो लोग सो रहे होंगे उनको थोड़ा पता चल जाएगा, जल्दी आ गए। और जब तक हम अपना काम करते हैं, स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, जल्दी जल्दी लोगों को सोने का मौका देंगे, लोग बोलते हैं सो नहीं पाते हम आपके चक्कर में, तो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग शेयर कीजिए और आप लोगों के लिए इंतज़ार मैं करता हूँ, और तब तक इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं, राइट। और वो क्या है, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारा एनालिसिस पसंद आता है, तो 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। पेटीएम पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/nitinshukla पर। यदि भारत के बाहर है तो सबसे ईजी मेथड है paypal.me/nitinshukla.gw। और आपका सबका पसंदीदा जमूरा, उसको भी हम लाएं। जमूरा बोलेगा, बोल जमूरे। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं। तो चलिए आपकी खबर से शुरू करते हैं, आपकी खबर बोले तो आपकी सेहत की खबर, और आपकी सेहत की खबर के अलावा एक चीज है कि हम जब आपकी सेहत की खबर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात आती है, और वो बात आती है कि हम जो खबर दिखाते हैं वो सही है भी या नहीं है, इसका वेरिफिकेशन कैसे। तो सबसे पहले आपकी सेहत की खबर और वेरिफिकेशन दोनों एक साथ कर लेते हैं, आ जाइए देख लेते हैं। बकरीद पर नियमों में छूट देना पड़ा भारी, केरला में बेतहाशा बड़े कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमने भी आपको यही बताया था, अगर आपको याद हो तो, शायद कल ही बताया था, ज़्यादा दिन की बात नहीं है ना, शायद कल ही बताया था। तो इन्होंने कब बताया, इनकी डेट ढूंढ लें, इनकी डेट कब है, आइए ज़रा देखें, जी न्यूज़ ने कब बताया, 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे, हमने आपको कब बताया, कल रात को। तो ठीक है, खुश हैं आप, आपकी खबर सही हुई, हमने जो आपको बताया था वो सही है, और लोगों ने भी यही बात कही कि बकरीद की वजह से कोरोना वायरस के केस बढ़े हैं। जब न्यूज़ बनती तो और लोग भी आए, प्रीति गांधी जी बता रहे हैं, पॉपुलेशन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 3.5 करोड़, केरला इज रिपोर्टेड 22,000 कोविड केसेज इन लास्ट 24 आवर्स। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 24 करोड़, उत्तर प्रदेश हैज रिपोर्टेड 36 कोविड केसेज इन लास्ट 24 आवर्स। 3.5 करोड़, 22,000 केस सिर्फ 24 घंटे में। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश, सिर्फ 36 केस। ये है योगी सरकार और ये है वहाँ की लेफ्ट सरकार। अब लेफ्ट वाले जो हैं, लाल मुंह वाले, वो बिल्कुल लाल सलाम वाले चुप हो गए होंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है, जवाब देंगे भी किस मुंह से। तो साहब और लोग भी उतर आए, बोलने की देर होती है एक्चुअली, हिम्मत नहीं करता आदमी बोलने की, हिम्मत कीजिए, सब आते हैं पीछे पीछे। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड वेव, लुकिंग एट द केरला क्राइसिस इन केरला लुक्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द थर्ड वेव। न्यूज़ 18 ने भी कवर किया, कब किया, 1:56 में 28 जुलाई, हमने आपको कब बताया, 27 जुलाई, ठीक है, एक दिन पहले बताया, राइट, ठीक है। तो जो आपको बता रहे हैं वो निकलता है, वही चीज़ें निकल कर आती है सामने, बहुत क्लियर है सर, जो हो रहा है वो हम सबके सामने है, ठीक है। केरल पहला राज्य होगा जो अकेला देश के 50% कोरोना केस का भागीदार बना है। देश में इस समय जितने केस हैं उसमें 50% केरल से आ रहे हैं, अब तक ऐसा किसी भी राज्य के साथ नहीं हुआ। दूसरी लहर में बीजेपी शासित राज्यों में शमशान तक से रिपोर्टिंग करने वाले केरल में विशेष छूट के बाद हुए हालात पर ऐसी चुप्पी, मानो केरल पर मन में शमशान वैराग्य उत्पन्न हो गया हो। सुधांशु त्रिवेदी जी भी क्यों छोड़ेंगे भाई, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए, फिर क्या, ये भी आज ही ट्वीट। और COVID-19 22,000 न्यू केसेस इन केरला, हाईएस्ट स्पाइक इन 2 मंथ्स, 28 जुलाई सुबह के 8:30, 8:27, ठीक है। तो ठीक है, अपन सही चल रहे हैं, ठीक है, आपको पहले न्यूज़ मिल रही है, ठीक मिल रही है, सही मिल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तभी हाल है। आइए, केरल की सरकार में तुष्टिकरण में अंधे होकर अपनी जनता की ही कुर्बानी दे दी, इसी बात को हम कहते आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी बस कांवड़ ही, सुप्रीम कोर्ट बस कांवड़ ही रोकते रह गए। 28 जुलाई सुबह 11:30 बजे, हम आपको एक दिन पहले इस बात को बता चुके, राइट। और आगे चलते हैं, 50% ऑफ केरला कोविड पॉजिटिव केसेस इन द कंट्री कम्स फ्रॉम केरला थैंक्स टू ईद रिलैक्सेशन, हम यही आपसे कह रहे थे और कुछ नहीं कहते। बट एज एक्सपेक्टेड द नरेटिव विल ऑलवेज बी बिल्ट अराउंड कुंभ और कांवड़ यात्रा,
केरला मॉडल, तो साहब जो कुंभ पर जो इतना चिल्ला रहे थे, छाती पीट रहे थे, जो रुदाली हो गए थे, वो लोगों के पास अब कोई जवाब नहीं है, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, अब कोविड की बात नहीं कर रहे, कहते मौसम कितना अच्छा, देखो बारिश हो रही, तो कहीं कहते बाढ़ आ रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर, और जब चर्चा होगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए, आइए। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी LRO लिखते हैं, विल जजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बी बुक्ड अंडर क्यूपेबल होमोसाइड सेक्शंस? बिल्कुल होना चाहिए, हमारी भी यही मांग है। वाइल हैंडलिंग उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा एंड CMO केरला ईद रिलैक्सेशन, SC अप्रोच वॉज डायगोनली ऑपोजिट। इट टुक सो मोटो कॉन्जाइंस ऑफ UP इशू एंड डिड क्रिमिनल डिले इन केरला हियरिंग, जुडिशियल धिम्मीट्यूड। भाई सब अब ये मांग कर रहे हैं कि केरल में जो हो रहा है, जो इतने सारे लोग जो रोज मारे जा रहे हैं, 22,000 एक दिन में केस आ रहे हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी। क्यों? ये तो वही सुप्रीम कोर्ट है जो दौड़ दौड़ कर आई थी, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, किसको जेल भेजें? सरकार को भेज देंगे, इसको फांसी टांग देंगे, उसको कर देंगे, इसको कर दें, उसको कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। अब आज तो खुद की बारी आई है, कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस पर एक्शन लेगा या नहीं लेगा? इस डबल स्टैंडर्ड के लिए सबको मालूम था ये होने वाला है, लोग चिल्ला चिल्ला कर जा रहे थे, आज नहीं कल सुनेंगे, क्यों सुनेंगे कल? क्यों नहीं रोक लगा पाए? क्यों नहीं कह दिया कि भाई ईद के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दो, सेलिब्रेट करो अपने घर में करो, बाहर निकलने पर रोक लगा दो, लेट मी स्टैंड करेक्टेड, भीड़ लगाने पर रोक लगा दो, मार्केट के अलग अलग सेगमेंट में खोल दो, सब कुछ हो सकता है अगर मन में इच्छा होती तो। मन में इच्छा नहीं थी, क्योंकि मन एक तरफा बायस्ड है कांवड़ यात्रा के प्रति, मन एक तरफा बायस्ड है जितने रथ यात्रा निकलेगी, कांवड़ यात्रा निकलेगी, माता बैठाई जाएंगी, गणपति बैठाए जाएंगे, उनमें मन बायस्ड है एक तरफा, ईद सेलिब्रेशन पर नहीं, क्रिसमस पर नहीं, उस पर कुछ नहीं, उस पर चलने दो। चीजें आ रही हैं सामने, जनता सवाल तो पूछेगी बॉस, ये तो संभव नहीं है, आप ये धमकी नहीं दे सकते किसी को कि आप जेल में डाल दोगे, ये धमकी तो नहीं चलने वाली है, बहुत क्लियर है, इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। निशांत चतुर्वेदी, शॉकिंग, महाराष्ट्र में हर 10, सिर्फ केरल नहीं महाराष्ट्र में भी आ जाइए, महाराष्ट्र में हर 10 मिनट में कोरोना की वजह से एक मरीज की मौत, देखिए आप, हर 10 मिनट में एक व्यक्ति मारा जा रहा है महाराष्ट्र में, ये स्थिति है। तो साहब सिर्फ केरल नहीं है, महाराष्ट्र का भी यही हाल है, महाराष्ट्र का भी यही चल रहा है, कमाल है। तो ये स्थिति अब, लेकिन कुछ लोगों की है, तो मतलब हमने जितना दिखाया था केरल के बारे में आपको, एक दिन पहले हमने कहा था ये जितना मामला हुआ सब ईद की वजह से हुआ था, वो भाई साहब जो कौन से, वो क्या नाम था उनका, अकबर खान जी को बड़ा बुरा, अकबर शेख पता नहीं, अब शेख तो वो लोग बोलते कि हम असली वाले हैं, खैर कोई बात नहीं, तो जो आपका नाम है, तो उनको बड़ा बुरा लगा था कि ऐसा नफरत फैला रहे हो, बड़े बड़े लाल वाले मुंह भेजे थे। भाई हम कोई नफरत नहीं फैलाते, हम आपको न्यूज़ देते हैं, जिस न्यूज़ को हमने कल दिया वो आज पूरे भारत में वो न्यूज़ छाई रही, हर एक मीडिया पर वो न्यूज़ छाई रही, आपको नहीं समझ में आया हमने पहले दे दिया। अब आज कुछ कहोगे? आज कुछ नहीं कहोगे आप, आज आप चुप रहोगे, क्योंकि आज बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने, 400 करोड़ वालों ने आज दिखा दिया, पर दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ सही है, असली है, कहाँ तक छुपाओगे, कैसे छुपाओगे? आप न्यूज़ को समझने का सर प्रयास करो। तो अकबर जी को आप अकेले नहीं हो, हाँ आपको लग रहा है आप अकेले हो, बिल्कुल आप अकेले नहीं, आपके जैसे बहुत सारे लोग साथ देने वाले और अनेकों अनेक साथ देने वाले हैं। आइए दिखाएं आपको कौन है आपके साथ देने वाले, इनसे मिलिए साहब। आहा, इस्लामिक मौलाना तौकीर रजा ने किया COVID-19 सोशल डिस्टेंसिंग का विरोध, कहा कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ो नमाज, बंटवारे के लिए लाया गया है सामाजिक दूरी का नियम। अरे शाबाश, जियो राजा जियो, इनको अभी तक समझ में नहीं आया। अकबर शेख भाई ये बिल्कुल तुम्हारे वाले हैं, तुम्हारे चचा हैं ये, बिल्कुल एकदम तुम्हारे चचा, इनको सच्चाई बताओ, सच बताओ, इनको चीज़ बताओ कोई, तो इनको समझना नहीं है, इनको बंटवारा दिख रहा है, तुमको नफरत दिखती है, आप लोगों की मेंटेलिटी ख़राब है। एक्चुअली आप लोगों ने जो चश्मा पहन रखा ना, आपके दिमाग के अंदर जो भरा गया कचरा, उसकी वजह से आपको न्यूज़ भी न्यूज़ नहीं दिखती। ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है, मेरे साथ में नहीं है, हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, वो न्यूज़ हम आपको दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे, हर बार दिखाएंगे। हमको भी समझ में आ रहा है, हमने कल कहा था 22,000 केस आए हैं, ये सब कुछ ईद की वजह से हुआ है,
आप कितना छुपाओगे, छुपने वाला नहीं है। नितिन शुक्ला गलत है वो आप कह सकते हो, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक मोबाइल लेकर बैठता हूँ, पीछे बड़ा सेटअप नहीं है, नॉर्मल सा आपको सेटअप, कोई सेटअप नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको लगे कि भाई ये तो ठीक है, एक आदमी कह रहा, गलत हो सकता है, लेकिन आज तक कोई बात गलत हुई क्या हमने जो यहाँ बात करी? हर बार वो चीज़ बाद में दूसरे लोगों ने दिखाई, इस बार भी दूसरे लोगों ने दिखाई। तो ये आपको देखना, उनको जो बैठे हुए इतने ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं कि उन्हें नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा, उन्हें नीचे इंसान दिख ही नहीं रहा, उनके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे ना माय लॉर्ड, तब उनको दिखेगा कि हाँ कुछ कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरिया। फिर उनको बताना पड़ेगा ये बैक्टीरिया नहीं, ये इंसान है, ये 138 करोड़ की आबादी है भारत की, वो बहुत ऊपर पहुँच गए हैं, वहाँ से दिखता नहीं है नीचे। राहुल गांधी जी के साथ भी यही समस्या, इतना ऊपर पहुँच गए कि नीचे दिखता ही नहीं है, लोगों की जान जा रही, नहीं दिख रहा है, कैसे दिख जाएगा। चलिए साहब, बड़े बड़े लोग हैं साहब, जो ऊपर पहुंच जाते हैं उनको नीचे नहीं दिखता। नोबल लिटरेट अमर्त्य सेन, फिलोसफर नोआम चॉम्स्के, WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन, प्रेस केरला फॉर इट्स फॉर वे इट हैंडल COVID-19 सर्ज। क्या बात है, इसलिए कहते हैं जरा किताबों पे और ये जो मार्कशीट होती है फर्जी मार्कशीटों पे मत जाया कीजिए, 5 रुपए का प्रिंट आउट होता है, ये देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े नाम। 26 जून को ये उन्होंने प्रेस किया था, 26 जून 2020 को, और अभी क्या स्थिति है? आज इनमें से कोई बोलेगा? आज इन लेफ्टिस्ट में से कोई नहीं बोलेगा, आज सबके मुंह बंद है, बड़े बड़े नाम है, अरे इनके मारे तो ऐसा सरकारें हिल जाती इनके मारे, पर आज सब चुप है, मुंह पर सील लग गई। कल तारीफ कर रहे थे, आज बता दो आज क्या स्थिति है। और ये तो वो है अमर्त्य सेन, अरे ये तो फोरकास्ट करते हैं, भी फोरकास्ट करते हैं, देश की इकोनॉमी हिल जाए है, बेकारी बन जाओगे आप, ऐसा हो जाएगा, 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 साल का बताते हो तो भाई साहब बताइए आप, 100 ईयर्स, 100-100 साल का बता रहे थे हो तो, इतनी फोरकास्ट होगी ऐसा होगा। नोटबंदी के बाद तो 2% रह जाएगी GDP, हम अभी तक ढूंढ रहे हैं 2% में कहीं GDP दिख जाए। अमर्त्य सेन, सौम्या स्वामीनाथन, वाह क्या बड़े बड़े नाम है, कहां चले गए आज? इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू पुट योर फुट इन टू योर माउथ, दिस इज वॉट एग्जैक्टली यू पीपल हैव डन। ठीक है, दोबारा ध्यान रखिएगा, देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो भूल जाए, देश की जनता को सब कुछ याद रहता है। फिर क्या, आइए जरा आज का, केरल ने बड़े अच्छे से हैंडल किया, अमर्त्य सेन साहब, ओहो हो, सौम्या स्वामीनाथन जी, अरे रे 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 रे, और एक और है, क्या नाम था उनका, केरल इज 2.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, सिर्फ 2.6% है केरल भारत की पॉपुलेशन का, और आज होने वाली मौतों में 32% सिर्फ केरल से है, 2.6% की पॉपुलेशन का डेथ रेट कोविड का जो है आज भारत का, भारत में होने वाली मौतों में 32% सिर्फ केरल से, वाह वाह साहब वाह, लोल सलाम, क्या बात, गजब। तब क्या भैया, सच छुपता नहीं भाई, सच जो है फाड़ छप्पर बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या, इतनी सारी कंडीशन हो तो केंद्र सरकार के अभी बहुत सारे इसमें आ जाएंगे, मोदी ने क्या किया, अच्छा उनको भी बताना पड़ेगा, एक इनके मारे अलग समस्या है, इनकी मिजाज ही नहीं मिलते इनके, वो भी बता दें मोदी ने क्या किया। आइए, अजीत गहलोत जी कहते 32 नहीं अब 50 हो गया, सर वो मौत का आंकड़ा 32%, हो सकता है वो भी 50 हो गया है ना, हमें उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी वॉन्ट्स केरला गवर्नमेंट ओवर नॉन कंप्लायंस ऑफ COVID-19 कंटेनमेंट प्रोटोकॉल्स। सरकार तो अपना काम कर रही है, लगातार वार्न कर रही है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी है, वार्न किया है केरला सरकार को, भैया आपके यहाँ कंटेनमेंट जोन का, कंटेनमेंट प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, पालन कर लो नहीं तो और लंका लग जाएगी अभी आपकी। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं ये तो पालन करने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो वो वाले लोग हैं, हमें चाहिए आज़ादी। जो लोग ब्राफरी डे मनाते हो उनसे आप कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं, इन पेंटीलेस डे वालों से कंटेनमेंट की बात कर रहे हो आप? ये कंटेन रह सकते तो किसोफ लव थोड़ी कर रहे होते 12 खंबा रोड पे खड़े होके,
तो इनसे कंटेनमेंट की बात करना बेईमानी है। मैं तो केंद्र सरकार से कहूँगा, बाकी की वहाँ की राज्य सरकारों से कहूँगा, सर बॉर्डर सील कर लो अगर जिंदा बचना है तो, और अपनी जनता को बचाना है, बॉर्डर सील कर दो सीधे उठाकर, केरल से कोई आदमी नहीं आएगा, स्थिति बहुत ख़राब है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो केरल के लोग होंगे उनको बुरा लग रहा होगा, नहीं आपको बुरा नहीं लगना चाहिए सर। मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, आज की, कल की नहीं दिखाऊंगा सर, बिल्कुल आज की, एकदम ताज़ा गर्मा गर्म। आइए, हा 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 हा, क्या बात है, पीछे कुछ दिख रहा है, आहा आनंद आ गया, क्या बात है, आइए भाई आइए, ये बात जरा इस बस को देखिए, ये केरल की है, क्या खचाखच भरी हुई है, वाह भाई वाह, क्या बात, ये बात, ये हुई बात, ये बात, ऐसे हम कोविड से निपटेंगे, ये कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। ठीक है, ऐसे कोविड से निपटा जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, थोड़ा सा पीछे ले आऊं, आदमी को नंबर प्लेट दिख जाए, शायद दिख जाए, ये कुछ तो भी लिखा हुआ भाई, देख लेना अपने हिसाब से, हमको तो पढ़ने में आएगा नहीं। ऐसे KSRTC की बस है भाई, ऐसे कोविड से लड़ेंगे, इसलिए बॉर्डर सील होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ ही नहीं रहा, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा, वो तो फ्रीडम वाले लोग हैं, फ्रीडम। तो केरल में ये स्थिति है, चलिए आगे चलें। केरल से एक और मामला आया था, हमने एक और न्यूज़ आपको दिखाई थी, देख लें वो सही थी कि नहीं, फॉरेन मीडिया से दिखाई थी लेकिन आज देसी मीडिया में छप गई। केरल 5 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर चर्च देगा पैसे, छात्रवृत्ति की भी घोषणा। आप सबको ध्यान है ये खबर, ये खबर किस किस को ध्यान है बता दो। जी न्यूज़ के अमन चोपड़ा ने भी आज इसको ट्वीट किया 28 तारीख को। एक तरफ देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग हो रही है, वहीं केरल में आर्थिक मदद देकर ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केरल में एक चर्च ने ऐलान किया है कि 5 से अधिक बच्चे पैदा करने पर हर परिवार को हर महीने कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। कब कहा? 28 तारीख को। हमने आपको कब बताया था? चलिए, इस मीडिया ने कब छापा? 28 तारीख को। हमने आपको कब बताया? गलत तो नहीं बताया भाई, पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा वसूल का मतलब लिटरली पैसे से नहीं होता, टाइम जो आप यहाँ देते हो, वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं, सब ठीक चल रहा है, आपका चैनल सही दिखा रहा है, गलत सब्सक्रिप्शन तो नहीं ले लिया आपने, कहीं गलत सब्सक्राइब तो नहीं कर लिया? ऐसा तो नहीं कि गलत, इतने सारे लोग, इतने सारे चैनल होते हैं, कोई कुछ 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 बोलता रहता है ना, ऐसा तो नहीं हुआ, सब कुछ एक नंबर में चल रहा है, ठीक चल रहा है, हैप्पी हो, चलो फिर ठीक है।